है कि फिर तुम्हें ये कैसे हक हासिल है कि तुम ये कहो कि ये कौम जो है जो मुझे अपना लीडर मान ले और तुम अपने इस कौम के लीडर लीडरशिप जो है वो क्लेम करो, सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से नौजवानों को गुमराह करके, लोगों को बदतमीजी सिखा के, लोगों को जो है वो वल्गर और ओए तोए का कल्चर सिखा के तुम चाहते हो कि लोग जो है तुम्हारे पीछे लग जाए। तुम इस कौम के नौजवानों को जो है वो इस तरफ लगा रहे हो कि अपने मुखालफिन को देखो तो उनको गालियां दो। तुम्हें ये मालूम नहीं है कि अगर मैं अपने मुखालफ को गाली दूंगा रास्ता चलते तो फिर उसका आगे क्या अमल होगा, फसाद होगा। तुम पूरी कौम को जो है वो फसाद के हवाले करना चाहते हो। तुम माओ को कहते हो कि जी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो तो वहां पे उनको ये कह के भेजो कि वो जो दूसरी जमात के बच्चे हैं उनको चोर कहें, उनको डाकू कहें। ये बातें वो हैं जो मैं ये जो कर रहा हूं, ये को मैं अपने पास से को अंदाजे से बात नहीं कर रहा, ये वो बातें जो इसने टीवी पे की है, अपने जलसों में की है, आप लोगों ने सुना है, पूरी दुनिया ने सुना है। और फिर कुछ लोगों ने ये हरकतें की भी हैं, उन्होंने अपने मुखालफिन को जो है वो गालियां दी, चोर चोर कहा, उसके बाद फिर लोगों ने जब जूते मारे तो फिर उसके बाद सीधे हो गए। तो मामला ये है कि ये एक ऐसा फितना और फसाद है कि जो अगर इस कौम पे मुसल्लत हो गया, मैं आप तमाम मोजज़ीन के की मौजूदगी में ये दावे से कहता हूं कि अगर ये मुसल्लत हो गया तो ये इस कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा। इसलिए कौम को इसकी शनाख्त करनी चाहिए, इसका इदराक करना चाहिए और अपने वोट की ताकत से जो है इसका कलाकुमा करना चाहिए। हम अदरवाइज नहीं कहते, हम वोट की ताकत से जो है वो इस आदमी को माइनस करना चाहते हैं इस मुल्क की सियासत से। ये बदकिस्मती है कि ये इस मुल्क की सियासत के ऊपर जो है ये बदबخت इंसान जो है ये मुसल्लत हुआ। कहता है कि जी देखे जी महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ओ भाई, IMF के साथ जो मुआहदा है ये तुमने किया, करने के बाद उसको तोड़ दिया। अब IMF जो है वो कहता है कि जी हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि उस वक्त वजीर आजम कौन था तो आज वजीर आजम कौन है, हमें तो ये मालूम है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने हमारे साथ जो मुआहदा किया उस मुआहदे के मुताबिक उसने अमल नहीं किया और उसने जो है वो तेल की कीमतों को उस वक्त हमारे साथ बढ़ाने का वादा हुआ था उसने उनको कम किया। ये जब इसने देखा कि इसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हो रही है तो उस वक्त इसने जो है ये फौरी तौर पे जो है वो कीमतें जो है वो कम की थी। अब वो कहते हैं कि जी हर शर्त आप पहले पूरी करें, बाद में जो है वो हम आपको जो है वो आपकी मदद करेंगे। दुनिया का निजाम ऐसा है कि हमारे दोस्त ममालिक भी जो कहते हैं वो कहते हैं कि जी आप IMF को जो है वो उसके साथ मुआहदा करें तो उसके बाद जो है वो फिर हम जो है वो आपकी मदद जो है वो कर सकते हैं। आप IMF के साथ जब मुआहदा करते हैं तो उसका जो है वो फिर जो है वो पेट्रोलियम के ऊपर असर पड़ता है, दूसरी चीज़ों के ऊपर असर पड़ता है, गैस की कीमत जो है वो बढ़ती है, और जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो उससे फिर लामहाला जो है वो महंगाई पैदा होती है। और महंगाई का भी कल्चर ऐसा है कि अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई जो है वो बढ़ जाती है, जब कम होती है तो फिर कीमत कम नहीं होती, वो जो की कीमत जिस जगह पे चले जाती है वो फिर वहीं रहती है। तो ये सूरत हाल है, इस मुश्किल सूरत हाल से जो है वो इस वक्त हुकूमत दो चार है। लेकिन आप यकीन रखें और इत्माद रखें कि हम भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है वो जिस जगह पे ये मुल्क को छोड़ के गया, अब देखें बात करता है कि जी हम जब थे तो उस वक्त ये कीमत थी। ओ भाई, तुम अगर बात करनी है तो बताओ ना फिर कि जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब उसको जो है वो नाहल किया गया 28 अगस्त को 2017 में, 2017 में जो है क्या डॉलर जो है वो 105 रुपए का नहीं था, क्या पेट्रोलियम की कीमत जो है वो 65 और 70 रुपए नहीं थी, उस वक्त जो है वो चीजों की कीमतें क्या थी, उस वक्त बिजली का यूनिट कितने का था, उस वक्त जो है वो गैस के बिल जो है वो उनकी जो है वो कीमत क्या थी। तो फिर जब उस वक्त जो है वो मुल्क तरक्की कर रहा था, पूरी दुनिया के अखबार और रसाइल ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, उस वक्त कोई ये नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, उस वक्त सारे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान की जो शरह नमू है वो उस वक्त जो है वो 6.2% थी।
और अगर आने वाले सालों में वो 7 और 8% होती तो उसका मतलब ये है कि जिस मुल्क की शरह नमू जो है वो 7-8% हो जाए तो वहां पे फिर ना बेरोजगारी होती है, ना वहां पे महंगाई होती है, ना वहां पे कोई भूखा मरता है, ना वहां पे कोई अलाज से महरूम रहता है। तो मुल्क जब आगे की तरफ बढ़ रहा था, मुल्क जब तरक्की कर रहा था, तो इस बदबख्त को लाने और इसका तजर्बा करने की क्या जरूरत थी? किन लोगों ने जो है ये तजर्बा किया और इसको लाने के लिए जो है वो ऐसे केसेस बनाए जो बाद में साबित नहीं हो सके। बाद में कोई केस जो है वो साबित नहीं हो सका। आज जब ये मरियम नवाज साहबा का केस बरी हुआ है तो जजेज ने जो जिन 6 पॉइंट्स के ऊपर उनको बरी किया है उनमें से 5 जो है वो मियां नवाज शरीफ के मुतलका है। तो भाई फिर अगर उस वक्त मुल्क आगे भी बढ़ रहा था तो ये झूठे केस बनाने और इस बदबख्त को लाने और ये तजर्बा करने की जरूरत क्या थी? और इसने फिर आगे जो है वो 3.5-4 साल में मां सवाए इसके कि अपने मुखालफिन को गालियां दो, मुखालफिन के खिलाफ प्रोपेगंडा करो, उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाओ, इसके अलावा इसने क्या किया? और उसकी वजह से मुल्क जो है मुल्क और उसकी इकॉनमी जो है वो नीचे की तरफ गई है। बहरहाल मैं आप तमाम अहबाब को, अब अजान भी हो रही है, नमाज का वक्त हो गया है, मैं अपनी बात को यहीं पे जो है वो मुख्तसर करता हूँ। मैं आप तमाम अहबाब का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ, आज की इस डेवलपमेंट पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी तरक्की के लिए, आपके हलके की तरक्की के लिए, आपकी सहूलत के लिए जो है वो मैं अपनी जितनी भी तवानाई जो सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है उसको पूरे खलूस के साथ और पूरी दयानत के साथ इंशाल्लाह ताला जो है वो उसको बुरुए कार जो है वो लाते रहेंगे। आप भी अपनी दुआओं में और अपनी जो है वो हमायत में जो है वो हमें मुझे भी और मियाँ जमाल आसफ को भी जो है वो याद रखें। अल्लाह ताला हम सब